डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, शायद स्टेटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक मॉडलिंग में, एम्पिरिकल मॉडलिंग में सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी हम देखते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास क्या है। तो आप देखिए, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजली एक सिमेट्रिकल बेल शेप्ड और इसका मीन, मीडियन, मोड सेंटर में होंगे, और ये जो सिग्मा है, ये जो स्प्रेड है, ये आपकी मेजर होगी फ्रॉम दिस कर्व। ये कर्व जो है वो कितनी ज्यादा स्प्रेड होती है। तो अगर ये ऐसे हो जाएगी तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा स्प्रेड है, अगर ये कम होगी तो हम कहेंगे, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर होती है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे इस डेटा का सेंटर जो है वो मीन जीरो है, इस डेटा का सेंटर 19 है, और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये इस स्प्रेड से मेजर होती है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम होगी क्योंकि डेटा बहुत बहुत पैक्ड है, और यहाँ पे स्प्रेड जो है वो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्लैट है। तो लेप्टोकल्टिक, मीजोकल्टिक, प्लेटिकल्टिक, तो ये प्लेटिकल्टिक है, ये बेसिकली आपके पास लेप्टोकल्टिक है, और इसको हम कह सकते हैं ये मीजोकल्टिक है, सेंटर में जो चीज होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, एक पैम है एक जिम है। पैम ने स्कोर किया 1500, 1500, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 300। जिम ने स्कोर किया 21 एवरेज, जो जिम का स्कोर जो है वो अभी देखते हैं, और एवरेज जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 रही है, और मीन जो है 21 है। जिस दिन पैम ने स्कोर लिया, पैम ने टेस्ट दिया, पैम का स्कोर तो आया 1800, मीन है 1500 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 300। जिम ने स्कोर किया, ओके, जिम का स्कोर जो है 24, और उसका मीन जो है वो 21 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 5 है। अब दो डिफरेंट टेस्ट हैं, दो डिफरेंट लोग हैं, कंपेयर करना है किसने परफॉर्म बेहतर किया। तो जब तक हम इन स्कोर्स को स्टैंडर्डाइज नहीं कर लेते, स्टैंडर्डाइज करने का मतलब ये है कि इस स्कोर में से जिम के या पैम के जो उसका रिलेटिव एवरेज है, मीन है, उसको माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। उसको हम कहते हैं जेड वैल्यू, जी वैल्यू। जब तक हम इसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसको कंपेरिजन के लिए क्या किया, पैम का स्कोर था 1800, एवरेज थी 1500, स्टैंडर्ड डेविएशन थी 1, जिम का स्कोर था 24, एवरेज थी 21, स्टैंडर्ड डेविएशन थी 5, तो जब हमने जी स्कोर बनाया तो इसका 1 बना और इसका 0.6 बना। एक्सक्यूज मी, इट मींस जिम ने जो है वो पुअर परफॉर्म किया देन पैम। तो दिस इज व्हेन यू हैव टू वेरिएबल्स मेजर्ड इन डिफरेंट वे एंड यू वॉन्ट टू कंपेयर हु इज परफॉर्मिंग बेटर, तो देन आपको क्या करना होगा, यू हैव टू मेजर, यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट इट इन टू स्टैंडर्डाइज यूनिट्स एंड देन यू कैन कंपेयर। तो आपके पास जी स्कोर जो है ये आपके पास कैलकुलेट कैसे होता है, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है माइनस जो एवरेज है उस डेटा की और जो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। 95% ऑफ द टाइम जो जी स्कोर है वो हम कहते हैं कि ये बिटवीन, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, जिसका मतलब है माइनस टू से लेके प्लस टू के दरमियान जो वैल्यू रहेगी, तो इसके दरमियान किसी वैल्यू के फॉल करने के चांसेस कितने हैं, 95%। तो 95% ऑफ द डेटा विल बी समवेयर बिटवीन माइनस टू एंड प्लस टू, अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो अगर वो इसको फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब यह है, ये 95% के दरमियान एरिया नहीं होता, प्रोबेबिलिटी नहीं होती बिटवीन माइनस टू एंड प्लस टू, इसका मतलब ये होगा कि आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता, एग्जैक्ट 95 नहीं होता, थीरी और प्रैक्टिस में थोड़ा सा फर्क होता है। परसेंटाइल हमने पहले भी डिफाइन किया, परसेंटाइल जो है परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट फॉल बिलो ए सर्टेन गिवन पॉइंट, यानी कि जिम ने, पैम ने स्कोर किया 1800, तो पैम का परसेंटाइल स्कोर क्या है, तो पैम 1800 पे है, तो हमें देखना है कितने परसेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, कितने स्टूडेंट्स ने उस दिन पैम से कम स्कोर किया। तो आपके पास ये एरिया इससे नीचे नीचे, यहां से लेके
हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है, तो इससे नीचे नीचे का एरिया कैलकुलेट करते हैं और वी गेट द आइडिया। और ये हमें आइडिया हो रहा है कि जी 84% ऑफ द एरिया लाइज बिलो दिस 1800। इसका मतलब ये है कि बैम जो है 84 परसेंटाइल पे खड़ा है। परसेंटेज क्या है वो एक डिफरेंट चीज है, पैम का स्कोर क्या बन रहा है वो 84th परसेंटाइल पे खड़ा है। मैं अभी आपके सामने जो है ये जो लिंक है इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेट वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ओके, आई गो टू दैट लेटर ऑन, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। तो एरिया टेबल से देखना है तो हमें ये देखना है कि जी आपके पास जो है ये दिस वन, आपके पास जो है ये वन वन से नीचे नीचे क्या एरिया था, 1.00 इधर से रीड हो जाएगा, इससे नीचे नीचे क्या एरिया था, तो यू कैन स्टडी इट फ्रॉम देयर और आपको पता चलता है कि 84.13% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस लाई बिलो दैट। सिक्स सिग्मा ये क्वालिटी कंट्रोल में यूज होता है, तो एनीहाउ वी डोंट नीड टू डिस्कस इट मोर। ये देखिए कि आप क्वालिटी कंट्रोल में एक प्रॉब्लम आ गई, हमने कहा जी कि एवरेज जो आपके पास जो केचप की बॉटल्स हैं उनमें जो फिलिंग है वो 36 औंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1 औंस है, सो लॉन्ग एज ऑब्जर्वेशन जो है 35.8 औंस और 36.2 औंस के दरमियान रहती हैं, तो वील से कि प्रोसेस इज इन कंट्रोल, के बॉटल्स में ओवरफिलिंग या अंडरफिलिंग नहीं हो रही, ओवरफिलिंग से क्वांटिटी वेस्ट होगी, अंडरफिलिंग से रेपो खराब होगी। तो आप देखिए तो हमने ये देखना है कि आपके पास कितने परसेंट ऑफ द बॉटल्स जो है वो 35.8 से कम कम जो है वो फॉल करती हैं, तो हमारे पास जो जी स्कोर आता है वो -1.82 आता है। तो अब एक्सेल से, स्टेटा से, आर से या टेबल से हम ये देख लेंगे कि इससे नीचे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये जो ब्लू एरिया गिवन है इसकी ये कितने परसेंट है। तो आप देखिए तो -1.8 समथिंग यहाँ पे आएगा, तो यहां से आप असेस कर सकते हैं, तो ये आपके पास -1.8 और सेकंड डेसिमल पॉइंट पे 2 आ गया। तो हमने टेबल से देखा कि 0.0344, तो बेसिकली 3.4% ऑफ द बॉटल्स जो है दे आर फिल्ड बिलो 35 पॉइंट, वो जो नंबर गिवन है। अब यहां पे देखिए व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉटल पासिस द क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन, बिफोर यू आंसर मैं आपको इसका आंसर शो करूं, पास कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, देन यू विल गेट एन आइडिया। मैंने पहले बताया कि 35.8 और 36.2 के दरमियान रहेगा अगर, तो आपकी बॉटल्स जो है वो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं। तो अब अगर इसको हम देखें तो ये आपके पास जो फॉल ये क्या आ रहा है, ये नंबर आ गया है कि जी ये -1.82, 1.82, तो इसके दरमियान का जो नंबर है ये आपके पास जो नंबर आ रहा है ये वाला, तो इट मींस कि ये आपके पास जो है वो 93.12% बॉटल्स जो है वो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन जो है स्टैंडर्ड मीट करती हैं। आप इसको टेबल से देखना चाहें तो ये आप टेबल से देख सकते हैं। अब आप देखिए तो बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नियरली नॉर्मली, तो आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका बॉडी टेम्परेचर जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। कभी कभार आपको अगर टेम्परेचर होता है तो क्या होता है कि आप एक खास स्टैंडर्ड डेविएशन से दूर चले जाते हैं, तो हम कहते हैं ये बाई चांस नहीं हुआ, लेकिन ये बात हम करेंगे स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस में। तो अगर आपके पास जो है वो किसी का बॉडी टेम्परेचर, व्हाट इज द कट ऑफ फॉर द लोएस्ट 3% ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, अब पहले क्या था, पहले वैल्यू गिवन होती थी और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, अब आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है कि वो कट ऑफ पॉइंट कौन सा आ रहा है, मींस कि मुझे जो चीज फाइंड आउट करनी है यहाँ पे वो ये नंबर फाइंड आउट करना है। पहले मेरे पास ये 1.82 गिवन था, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है ये नंबर क्या है। तो देखिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन एक्स, तो अब आप देखें जी किसके इक्वल होता है, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब मुझे जी, पहले जी गिवन होता था, आज हमें जी गिवन नहीं है, आज हमें इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है।
तो हम क्या करते हैं, जी का माइनस पॉइंट वन 1.88 से लेस आने के चांसेस कितने हैं, 0.03। जो चीज नहीं गिवन वो क्या चीज नहीं गिवन, वो ऑब्जर्वेशन नहीं गिवन, मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो यहां से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी, थोड़ी सी मैथमेटिक्स। तो हम ये कहेंगे कि वो लोग 3% ऑफ दी पीपल हैव बॉडी टेम्परेचर लेस देन 96.8 डिग्री फारेनहाइट। तो प्रैक्टिस के लिए आप अगेन, बात यही है कि आप बिफोर जंपिंग टू द आंसर, आप काइंडली एक काम जरूर करें कि आप इसका पहले ये देखें कि आपको इसका जो है वो आंसर क्या नजर आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए। अब द हाईएस्ट 10% ऑफ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, यानी कि वो 10% से, अब आपने क्या करना है, ये जो 10% बनेगा ये आपके पास जो यहां पे जो है, तो इससे इधर इधर एरिया जो है वो क्या हो 10%, तो वो 10% पॉइंट क्या फॉल करेगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो है वो, मैंने वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए इसको हम जल्दी से स्किप करके देख लेते हैं। तो वो बन रहा है 98.99.1%, 99.1% जो है वो कट ऑफ पॉइंट बन रहा है। जो ही कोई इश्यू हो तो आप जो है वो वीडियो के जो है वो सेक्शन में कॉमेंट कर दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड रूल ऑफ थंब है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है। एग्जैक्ट नहीं है, ये क्लोज है, जो कि आपको मेमोराइज हो जाता है कि मीन से दो स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो, एक स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस सिग्मा, मीन प्लस सिग्मा, इसको हम कहते हैं मीन वन स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो, मीन वन स्टैंडर्ड डेविएशन अबव, इसके दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है ऑब्जर्वेशंस आने की वो 68% है। 68% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फॉल बिटवीन मीन वन स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो एंड मीन वन स्टैंडर्ड डेविएशन अबव, इनके दरमियान अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 68% ऑफ द एरिया तकरीबन जो है कवर करेगा, या 68% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस लाई करेंगी ऑन एवरेज। थ्योरेटिकली ये बात हो रही है, डेटा लेंगे तो वो स्लाइट डेविएशंस होंगी। और अगर मीन दो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इफ यू रिमेंबर इन क्लासेस मैं कहता हूं ये मैं खड़ा हूं, ये दो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो क्या है 95%। और मीन प्लस थ्री सिग्मा और मीन माइनस थ्री सिग्मा के दरमियान जो एरिया है वो क्या है, तो इसलिए आप अगर आपका जो है वो कोई चीज ऐसी हो जो इससे ज्यादा दूर चली जाए, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज से ऊपर चली जाए, तो हम कहेंगे इसका होने का चांस बहुत रेयर है, तो ये बाई चांस नहीं हुआ। तो ये इस चीज को देखिएगा, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन इसको फॉलो नहीं करे तो हम उसको कहेंगे वो नॉर्मल नहीं है। तो ये देखिए आपके पास जो है सेट स्कोर्स कैसे फॉलो हो रहे हैं, लुक इन टू इट। अब ये वाला डेटा है तो हम देखते हैं कितने परसेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन वन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ देखिए 72%, तो इसका मतलब है ये स्लाइटली डेविएटिंग फ्रॉम नॉर्मल है। और टू स्टैंडर्ड डेविएशन में 95% की बजाय 92% है, तो स्लाइटली डेविएटिंग फ्रॉम नॉर्मल है। और 3% में, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में 99% है, जबकि उधर 99.7% है, तो स्लाइटली डेविएटिंग फ्रॉम नॉर्मल है। तो प्रैक्टिस के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, पॉज कीजिए, सोचिए क्या आंसर है। तो आई गेस आपने सोचा होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन में जी स्कोर ने आपके पास जो है वो किस तरफ चले जाना है, हमने कहा था कि उसने अगर वो राइट सिक्योर्ड है तो राइट की तरफ चला जाएगा, लेफ्ट सिक्योर्ड है तो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद में आर के थ्रू आपको बाइनोमियल और आर की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की लैब डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।